क्रीमिया के पोर्ट सिटी पर कैसे हुआ अटैक? महाबम से रूस ने कहा किया विध्वंसक अटैक, और पुतिन के प्लान कीव का कैसे हुआ खुलासा? विध्वंसक जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। पश्चिमी देशों से हरी झंडी मिलते ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर बड़े हमले शुरू कर दिए। क्रीमिया के पोर्ट सिटी कर्च पर यूक्रेन ने 20 मिसाइलें दागी। यूक्रेन के इस हमले में रूसी नेवी के 2 बोट पूरी तरह तबाह हो गए, ये दावा रूस के ट्रांसपोर्ट चीफ निकोलाई ने किया। क्रीमिया के कर्च ब्रिज के करीब यूक्रेन ने कई बोट ड्रोन से अटैक किया, जिसमें से 3 को रूसी नेवी के हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट ने तबाह कर दिया। इस दौरान कर्च ब्रिज के आसपास जोरदार धमाके सुने गए। यूक्रेनी हमलों की वजह से ब्रिज पर आवाजाही घंटों तक बंद रही। रूस के कास्त्रोदार पर यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइलों से एक साथ हमला किया। रूसी डिफेंस फोर्स ने यूक्रेन के 8 ATACMS को तबाह कर यूक्रेन पर विदेशी हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब विध्वंसक पलटवार की चेतावनी दी है। खार्कियो में जीत की दहलीज पर खड़े रूस के आक्रामक हमले लगातार जारी है। बाहरी इलाके में रूस की सेना ने ब्रेड MLRS से जोरदार शेलिंग, जंगल में रॉकेट की बौछार से यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। खार्कियो में रूस को आज यूक्रेन से बड़ा झटका मिला। पूर्वी मोर्चे पर कड़ी टक्कर दे रहा रूसी ग्रेड MLRS को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया। किलर ड्रोन के हमले में रूसी MLRS गोला बारूद के साथ नष्ट हो गया। 24 घंटे में यूक्रेन ने यहां 8 रूस टैंक और 2 MLRS तबाह करने का दावा किया। खार्किव के चेसव यार पर भीषण हमले कर रही रूसी सेना ने डोनेस्क के एक अहम मोर्चे पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की। सिवेर्स्क में यूक्रेनी कमांड सेंटर को तबाह करने के लिए रूस ने FAB-1500 बम से अटैक किया। रूसी हमले से यूक्रेनी ठिकाना पल भर में ध्वस्त हो गया। रॉकेट से ताबड़तोड़ वार और वॉर जोन से उठते धुएं का गुबार, डोनेस्क में रूसी ग्रेड यूनिट का कोहराम लगातार जारी है। रशियन इन्फेंट्री के विस्फोटक हमलों से यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन तबाह हो गई। 24 घंटे में यहां 50 से ज्यादा यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का दावा है। अवदीवका के बाहरी इलाकों में रशियन आर्मी का ग्राउंड ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से लगातार जारी है। यहां रूस का छापेमार दस्ता मैनपैड और स्टिंगर मिसाइलों से पिन पॉइंट अटैक करती नजर आई। 4 अहम फ्रंट्स पर रूसी सेना हावी हो चुकी है। खार्किव और डोनेस्क में पिछड़ रही यूक्रेनी आर्मी अवदीवका में विदेशी हथियारों के दम पर डटी हुई है। शहर के उत्तरी छोर पर कोक प्लांट पर यूक्रेनी आर्मी ने अब्राम्स टैंक से अटैक किया। रूसी कब्जे वाले प्लांट पर 120 mm के गोले बरसाए गए। यूक्रेन के आक्रामक अटैक से पूरा इलाका दहल गया।